हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये वेस्ट फैब्रिक में से बेस्ट बनाएंगे। हम साथ में ये वुलन और लेस से डेकोरेशन भी करेंगे और हमें चाहिए सीजर, स्टिक या पेन, सुई और धागा और बांधनी के ये टुकड़े। बांधनी के टुकड़े में मैंने ग्रीन कलर को 8x8 और रेड को 2x2 सेंटीमीटर का लिया है। रेड कलर के टुकड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, पहले साइड में, फिर दोनों तरफ से क्रॉस में फोल्ड करेंगे, फिर उसको भी साइड में फोल्ड कर देंगे। इससे ये ट्रायंगल जैसा शेप बनेगा। आप इसमें देख सकते हो। ग्रीन को हमने क्रॉस में फोल्ड करके चौक से ये चिड़िया का शेप बनाया है और चिड़िया की चोंच हम उसके सही जगह पर रख देंगे और स्टिच कर देंगे। लास्ट में थोड़ा हम बाकी रखेंगे और हम इसको ऐसे फैब्रिक को उल्टा कर देंगे। देखियो, देखो तो अभी ये चिड़िया जैसा आपको शेप लग रहा होगा। देखो चिड़िया जैसा। अब हमने जो थोड़ी सिलाई की जगह बाकी रखी थी ना, सिलाई थोड़ी बाकी रखी थी, वहां से हम ये जो फैब्रिक के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं वो हम थोड़े थोड़े करके हम डालते जाएंगे और स्टिक से हम उसको अच्छे से सेट भी करते जाएंगे। और ये पूरी चिड़िया को हम ऐसे छोटे छोटे धागों अंदर डालते रहेंगे और स्टिक से सेट करते रहेंगे पूरा, जब तक ये अच्छे से भर ना जाए। जब पूरी चिड़िया में फैब्रिक आ जाएगा, फिर जो सुई और धागा जो हमने रखा था सिलाई करते वक्त बाकी थोड़ा, कर लेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर, मतलब अंदर फैब्रिक को एकदम दबा के भरना है, उसको पकड़े रखना है कि बाहर ना निकल जाए। और ग्रीन फैब्रिक को, मतलब उसके बॉर्डर को अंदर फोल्ड करके फिर एक सिलाई लेफ्ट में और एक सिलाई राइट में ऐसे सिलाई करनी है। राइट से लेफ्ट में नहीं, पर एक सिलाई राइट में और एक सिलाई लेफ्ट। तो इस तरह से सिलाई करने से फिनिशिंग अच्छा आएगा। एक सिलाई राइट में लो, फिर एक सिलाई लेफ्ट में लो। फिर हम चिड़िया को डेकोरेट करने के लिए पहले ये लेस लगाएंगे। देखिए हम किस तरह से इस लेस को लगाते हैं। हम चिड़िया को डेकोरेट करने के लिए हम उसमें फूमते लगाएंगे जो वुलन के बने होंगे, तो हम वो भी बनाएंगे। हम वुलन से, मतलब उसको सजाने के लिए फूम के बनाएंगे। मैं दो बड़े और दो छोटे बनाऊंगी। आप देख सकते हो मैं किस तरह से बना रही हूँ। बड़ा बन गया है और ये छोटा वाला फुंका बनाने के लिए मैं अपनी एक ही फिंगर का यूज करूंगी। उसमें दो राउंड वुलन के लेके फिर बांध के कट कर दूंगी और फिर मैं ये फुंके तैयार करके फिर
फिर सुई धागे से चिड़िया में लगा दूंगी। तो हमने ये फूमते इस तरह से सुई धागे से लगा दिए है हमने इस चिड़िया पे, और ये बहुत ही चिड़िया बहुत ही प्यारी लग रही है। मैंने ऐसी बहुत सारी चिड़िया बनाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी बनाई है। और यही क्राफ्ट है, आप घर बैठे जब भी फ्री हो तो ये बना सकते हो। और इस चिड़िया से आप साइड हैंगिंग, तोरण, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हो जो आपके घर को बहुत ही प्यारा लुक देगी। आप इसका चनिया चोली या डांडिया डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हो। आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी, लास्ट वीडियो में हमने फ्री स्केच गिव अवे का क्वेश्चन पूछा था, तो उसका सही आंसर और सबसे पहले दिया था वृंदा सोंघेला ने, सबसे पहले दिया था। जैसे हमने क्वेश्चन पूछा था उसके साथ ही हमने पूछा था कि जो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देगा वो विनर होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वृंदा, आप विनर हो और नेक्स्ट वीडियो में आपका स्केच बनेगा। और आप सभी के पास भी चांस है फ्री स्केच गिव अवे का, क्योंकि अभी तक तो मैं करूँगी ही गिव अवे। आपका से स्केच अगर आपको हमसे बनवाना है तो मैंने एक वीडियो की लिंक दी है मैं किस तरह से गिव अवे करती हूँ, तो वो प्लीज़ वो देख लीजिएगा वीडियो। तो आप जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और साथ में बहुत कुछ एक्साइटेड होगा बहुत ही अच्छा। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने इस चिड़िया से साइड हैंगिंग बनाया है, आप भी बहुत कुछ बना सकते हो। तो चलो अब हम चलते हैं। आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट हमें करिएगा। फिर हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए आर्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू प्यारे दोस्तों। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, जय माता जी।